टेक्स्ट बुक खोलोगे तो पेज नंबर 9 से आपको दिखेगा कि पेज नंबर 9 के लिए आपको पिक्चर है, ये सारे स्माइलीज हैं, इनका सबका अलग अलग मीनिंग है। क्या फीलिंग एक्सप्रेस करते हो मैं आपको इसमें बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बहुत खुश होते हो, व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप बहुत खुश होते हो तो आप स्माइल करते हो, तो स्माइली फेस बनाते हो। अगर आप उदास होते हो तो आप एकदम मुझे मम्मी करके आपने आंखें बंद कर लेंगे, मुंह लटका के बैठ जाते हो, वो होता है आपका सैड फेस। अगर आप गुस्सा आता है किसी चीज़ से, मम्मी ने आपको बोला होमवर्क कर लूँगी तो मैं पाँच मिनट सर से मैडम से तब स्कूल में जाएगी तुम्हारे बैठ गई, तो तुमको बहुत गुस्सा आता है, तो तुम एकदम मुँह खुला के बलून की तरह बैठ जाते हो। अगर मम्मी ने तुम्हारा शाम को क्या शाम को तुम्हारे लिए बहुत पसंद मैंने वगैरह केक बनाऊंगी, तुम बहुत खुशी में नाच होते हो, तो हर चीज़ का आपका अलग हो जाए। उसके अगर आप लोग बहुत सुधार आते हैं, आप बीमार हो, आप बहुत उदास हो, आपको एनर्जी नहीं है, तो आप एकदम खुद के पेड़ हो, तो ये सारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं, each and every smiling, what does this mean, unicorns mean, okay? अब दूसरी बात, आपकी घर में आपको व्हाट्सएप पे आपका होमवर्क आएगा, आप उसको देखो, चेक करोगे, आप सिंपली मम्मी को बोलना कि व्हाट्सएप खोलेगी, और मम्मी को इतना बोलना व्हाट्सएप पे आपको ये स्माइल वाला इमोजी वाला दिखाएगी, इसमें आपको ये सारे देखने को मिलेंगे। अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रशिंग, ये है ब्रशिंग वाला, बी एल यू एस एच एन, ब्रशिंग यानी जब आप बहुत खुश हो और आपकी गाल लाल टमाटर के रंग चले जाए, क्योंकि आप बहुत खुश हो, जब आप खुशी से धूम उठते हो कोई बात की आपके मन में खुशी होती है तो आप ब्लश कर दो, यू जस्ट लुक रेड, खुशी के मारे लाल हो जाते हो। नाउ सेकेंड इज विंकिंग, डब्ल्यू आई एन के एन ए, विंकिंग का मतलब ये होता है कि आप एक काम बंद कर लेते हो और एक काम खोल के ऐसे देखते हो, तो दिस इज साइन ऑफ विंकिंग, ओके। नाउ एंग्री, मैंने बताया जब आपको गुस्सा आता है तब आप आंखें बेहद करके गुस्से मुंह खुला के देखते हो, ताकि आइब्रो जितने ऊंची हो जाता है, तो दिस इज शोइंग एंगर साइन, जब आपको बहुत गुस्सा आता है, ए एन जी आर वाई एंग्री, दिस इज साइन ऑफ एंगर। नाउ हैप्पीनेस, जब आप बहुत खुश होते हो लाफ कर दो, तो सी योर आईज आर क्लोज्ड एंड योर लिप्स आर जस्ट ब्रॉडेड, आपकी लिप्स बहुत ब्रॉड हो गए, योर स्माइलिंग विद अ ह्यूज स्माइली फेस, दिस इज नोन एज एल ए यू जी एच एन डी, लाफिंग, ओके, दिस इज साइन ऑफ
आप लोग पढ़ रहे होते करके बहुत थक जाते हो, तो आप बहुत थक जाते हो, तो क्या करते हो, क्लास में टाइम की लेक्चर देखिए और पढ़ा रहे होते हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन, तो मैं कैन स्टिल स्लीप, जस्ट पुट देयर हेड ऑन द बेंच एंड देन जस्ट गो टू स्लीप। स्लीपिंग यानी सो जाना, आपके बंद करके सो जाना, आपको पढ़ने के लिए ध्यान नहीं है, आप बोल रहे बेंच पे सो जाते हो, बिकॉज इट मस्ट कॉल जैसे स्कूल चालू होगा फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट बच्चे आते हैं तो वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे क्लास में सो जाते हैं, क्यों, बिकॉज दे फील वेरी ऑकवर्ड, okay, so these are the signs that I have taught you. Now I'm going to show you this book. So with this book you will be able to see more colorful pictures and you must be having this book. Agar book nahi hai to koi baat nahi, whenever you get from the stationery you go and purchase it, but just see this book, you will just understand more properly and clearly. See, this is the sign of blushing. Now you can see how this is place is ब्लशिंग एंड देखो वहाँ पे उसके चेहरे की तरह गाल उसके लाल हो गए. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड विंकिंग. देखो कैसे विंकिंग मीन्स उसकी एक आंख बंद है और एक आंख को ऊंची करके से ऊंची करके देख रहा है, आपको दिख रहा है. और थर्ड वन इज सी, कितना गुस्से में ये देख रहा है, बहुत गुस्सा है. ओके, उसके बाद है ये सी लाफिंग. लाफिंग यानी ये हंस रहा है बहुत खुश होके. ओके, उसके बाद है ये रोलिंग आई. सी इज रोलिंग आई, तो उसकी आई जो बॉल है उनको रोल कर रहा है. अब उसके बाद है ये स्लीपी, इसे बहुत नींद आ रही है, देखो ये सो गया है. ओके, नाउ अदर वन इज सी सरप्राइज यानी चौंक जाना. उसके बाद जीके का मतलब क्या होता है, जनरल नॉलेज. ओके, आपने जैसे नोट किया होगा, आप लोग बहुत छोटे हो, जीके
एप्पल दिखा दिए तो हम आप बोलोगे तो मैं ये कौन सा फ्रूट है, किसी में टेलर दिस इज एप्पल एंड दिस इज रेड कलर, तो आप समझ जाओगे एप्पल रेड कलर। अब ये तो मैंगो का सीजन चल रहा है, अगर मम्मी घर में मैंगो लाती है तो अगर कच्ची रॉ मैंगो लाती है तो कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर होगा कच्ची, उसका चटनी और पिकल्स अच्छा बनाते। लेकिन उसी जगह अगर मम्मा येलो ऑरेंज कलर का मैंगो लाएगी तो क्या होगा, डायरेक्ट पका हुआ जिसका हम जूस बनाएंगे। तो आपको जनरल नॉलेज घर में ही सीखने को मिलता है, ओके। जैसे छोटी छोटी बातें हैं जो आप सीखते हो और आपको उसके बारे में जानकारी होती है, उससे आपका जनरल नॉलेज। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में टीवी है तो अगर पापा को न्यूज देखना है तो आप वो न्यूज देखेंगे तो पूरे देश की पूरे वर्ल्ड की सारी न्यूज उसमें आएगी, तो उससे आपका जनरल नॉलेज इम्प्रूव होता है कि आज ब्रिटेन में क्या हुआ, स्पेन में क्या हुआ, आज अमेरिका में ऐसा हुआ, हर देश का आदमी यहाँ पे कैसा हुआ, ये न्यू इन्वेंशन हुआ, वहाँ पे ये एयरपोर्ट पे ये लॉन्च हुआ, स्पेस में अपनी नवी आई और इन्वेंशन में न्यू तरह का ये फोन ऐप आया है, इतने में ये रेल है, तो सारी जनरल नॉलेज आपको न्यूज की रेडियो से न्यूज पेपर से मिलती है और बुक से। आपको स्कूल में आते हो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड टू एट स्टैंडर्ड का जीके का टेस्ट होता है और जीके के टेस्ट में आपको बहुत सारी जनरल नॉलेज की बातें होती है। देखो मेरे ये है आपकी फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड, ये है आपकी जीके के टेस्ट बुक, मैं आपको शो कर रही हूँ, आप लोग ने शायद परचेज नहीं की होगी और आप ये बुक देख लेना, ये आपकी जनरल नॉलेज की बुक। और इसका अगर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर कराने वाली हूँ, आपको मैंने बता दिया कि जीके का मतलब क्या होता है, जीके का फुल फॉर्म होता है जनरल नॉलेज, हम किसी चीज के बारे में नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं जनरली उसे बोलते हैं जनरल नॉलेज। अब आपको फर्स्ट चैप्टर में है आपका लेसन है, उसमें आपका लेसन है यूनिकॉर्न्स यानी आपके जो इमोशन से जुड़े होते हैं यूनिकॉर्न्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है यह पिक्चर्स कोई फीलिंग, यहाँ पे जो पिक्चर्स मैंने ड्रॉ किए जो आपकी मैंने फीलिंग बता दी कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा कर दो। अब आप बोलो मैम हमने ये सब नहीं देखा है कहाँ है कैसा है, पर मैं आपको बता दूँ सिंपल में, ये मैंने आपको बुक में से मैंने देख के बोर्ड पर ड्रॉ किया है। और आप लोग अगर आपकी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो पेज नंबर 9 से आपको दिखेगा कि पेज नंबर 9 के लिए आपको पिक्चर है, ये सारे स्माइलिंग है, उनका सबका अलग अलग मीनिंग है, क्या फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं वो मैं आपको इसमें बता दूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप बहुत खुश होते हो, व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप बहुत खुश होते हो तो आप स्माइल करते हो, तो स्माइलिंग पेज बना दो। अगर आप उदास होते हो तो आप एकदम मुझे मम्मी करके अगर आपके आँखें बंद हो जाएंगे और मुँह लटका के बैठ जाते हो वो होता है आपका सैड पेज। अगर आप गुस्सा आता है किसी चीज़ पे, मम्मी ने आपको बोला बहुत सर लूँगी तो मैं मार के लाऊँ सर से मैडम से तब स्कूल में जाएगी तुम्हारी बैठाई, तो वो बहुत गुस्सा आता है, तो तुम एकदम मुँह खुला के बलून की तरह बैठ जाते हो। अगर मम्मी ने तुम्हारा शाम को क्या शाम को तुम्हारे लिए बहुत मस्त मैंने वनीला केक बनाऊंगी, तो बहुत खुशी में नाच चुके, तो हर चीज़ का आपका अलग होता है। जैसे अगर आप लोगों को आप बहुत बुखार आ गया, आप बीमार हो, आप बहुत उदास हो, आपको एनर्जी नहीं है, तो आप एकदम थके थके पे हो, तो ये सारे इमोशंस में जुड़े होते हैं, उसमें इनका अलग अलग वो बेस होता है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हियर आर सम साइंस एंड सम साइंस शोन हियर एंड आई एम गोइंग टू रीड इट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी स्माइलिंग व्हाट डज दिस मीन यूनिकॉर्न्स मीन, ओके। अब दूसरी बात आपकी घर में आपको व्हाट्सएप पे आपका होमवर्क आएगा, आप देखो चेक करोगे, आप सिंपली मम्मी को बोलना कि व्हाट्सएप खोलेगी और मम्मी को इतना बोलना व्हाट्सएप पे आपको ये स्माइल वाला इमोजी वाला दिखाएगी, इसमें आपको ये सारे देख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रशिंग, ये है ब्रशिंग वाला बी एल यू एस एच एन ब्रशिंग, यानी जब आप बहुत खुश हो और आपकी गाल लाल टमाटर के रंग चल जाए क्योंकि आप बहुत खुश हो, जब आप खुशी से दूर उठते हो कोई बात की आपके मन में खुशी होती है तो आप ब्रश कर दो, यू जस्ट लुक रेड, खुशी के मारे लाल हो जाते हैं। नाउ सेकेंड इज ब्लिंकिंग, डब्ल्यू आई एन के एन, ब्लिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप कई काम बंद कर लेते हो और एक काम खोल के ऐसे देखते हो, तो दिस इज साइन ऑफ ब्लिंकिंग, ओके। नाउ एंग्री, मैंने बताया जब आपको गुस्सा आता है तब आप आंखें बड़ी बड़ी करके गुस्से में मुंह खुला के देखते हो और आपकी आईब्रो देखते हो ऊंची हो जाता है, तो दिस इज शोइंग एंगर साइन, जब आपको बहुत गुस्सा आता है ए एन जी आर वाई एंग्री, दिस इज साइन ऑफ एंगर। नाउ हैप्पीनेस, जब आप बहुत खुश होते हो लाभ कर दो तो सी योर आईज आर क्लोज्ड एंड योर लिप्स आर जस्ट ब्रॉडेड, आपकी लिप्स बहुत ब्रॉड हो गए, योर स्माइलिंग विद अ ह्यूज स्माइली फेस, दिस इज नोन एज एल ए यू जी एच एन डी लाफिंग, ओके, दिस इज साइन ऑफ लाफिंग। नाउ रोलिंग आईज, मैनी टाइम्स यू रोल योर आईज विद प्रॉब्लम एंड जस्ट रोल योर आईज, तो दिस इज साइन ऑफ आर ओ डबल आई आई एन डी रोलिंग आईज, तो अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हैं ना, जैसे आई बॉल होते हो उसको एक्सेस करके गोल गोल घुमाते हो, उसी
होता है न्यू स्कूल में फर्स्ट डे होते हैं, आप लोग पढ़ रहे होते करके बहुत थक जाते हो, तो आप बहुत थक जाते हो, तब क्या करते हो क्लास में मैम की लेक्चर देखिए और पढ़ा रहे होते हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन, तो मैं कैन स्टिल स्लीप, जस्ट पुट योर हेड ऑन द बेंच एंड देन जस्ट गो टू स्लीप, स्लीपिंग यानी सो जाना, आपके बंद करके सो जाना, आपको पढ़ने के लिए ध्यान होता है, हम आप बोल रहे बेंच पर सो जाते हैं, बिकॉज इट मस्ट कॉल, जैसे अभी स्कूल स्टार्ट होगा फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट के बच्चे आते हैं तो वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जल्दी क्लास में सो जाते हैं, क्यों, बिकॉज दे फील वेरी ऑकवर्ड, दे फील बहुत रोते हैं, बहुत छुट्टी होती है, स्कूल में एनवायरमेंट में ऐसे एक्सेस नहीं हो पाते एंड जस्ट प्रैक्टिस की ऑपरिटी है, तो दोस्तों के लिए क्या अभी शुरुआत है ना रूटीन हो रही है, ये भी जस्ट प्रैक्टिस करता है सरप्राइज, यू आर वेरी सरप्राइज, चौंक जाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखें बड़ी हो जाती है और आप चौंक जाते हो, और जैसे आपने अच्छा है अपने सामने तो बड़ा सा लॉबी देख लिया, क्योंकि हैंडल देगा, यू जस्ट सरप्राइज, आप डर जाते हो, और अगर घर में आपके मम्मी को आपका बर्थडे है और आपको कुछ बहुत टाइम से कोई बर्थडे गिफ्ट चाहिए और आपको मिल जाए चाहिए puzzled, okay? So these are the signs that I have taught you. Now I'm going to show you this book. So with this book, you will be able to see more colorful pictures and you must be having this book. Agar book nahi hai, to koi baat nahi. Whenever you get from the stationery, you go and purchase it. But just see this book, you will just understand more properly and clearly. See, this is a sign of blushing. Now you can see how this is place is blushing and देखो वहाँ पे उसकी चेहरे की तरह गाल उसके लाल हो गए. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड विंकिंग. देखो कैसे विंकिंग मीन्स उसकी एक आंख बंद है और एक आंख को ऊंची करके ऐसे ऊंची करके देख रहा है, आपको दिख रहा है. और थर्ड वन इज सी, कितना गुस्से में ये देख रहा है, बहुत गुस्सा है. ओके, उसके बाद है ये सी लाफिंग, लाफिंग यानी ये हंस रहा है बहुत खुश होके. ओके, उसके बाद है ये रोलिंग आई, सी इज रोलिंग आई, तो उसकी आई जो बॉल है उनको रोल कर रहा है. अब उसके बाद है ये स्लीपी, इसे बहुत नींद आ रही है, देखो ये सो गया है. ओके, नाउ अदर वन इज सी सरप्राइज यानी चौंक जाना. उसके बाद